संस्कार सेना की 51 दिवसीय माता पिता के सम्मान में संकल्प यात्रा भोपाल से रवाना होकर उज्जैन इंदौर महू होते हुए गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंची, जहां छत्री राजपूत भवन में ट्रस्टी अश्विन सिंह सरवैया एवं संस्कार सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा झालावा राजकोट से पत्थुभा जडेजा की टीम ने स्वागत किया। अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने संस्कार सेना के द्वारा माता पिता के सम्मान में संकल्प यात्रा एवं इनके प्रति किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की एवं इस पुनीत कार्य के लिए तन मन धन से सहयोग की बात कही। इसके पश्चात संस्कार सेना सूरत शहर के लिए रवाना हो गई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े एवं यात्रा संयोजक वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यतेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे, मीडिया प्रभारी ओमकार कोहरे सहित पूरी टीम ने सभी से इस पुनीत कार्य में जुड़कर जिम्मेदारी संभालने की बात कही। तो ट्रस्टी सरवैया जी ने कहा कि मैं हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे संस्कार सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यतेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी दीदी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अनुराधा झालावा, हमारी बहन, इनके मार्गदर्शन में हम अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं और संस्कार सेना के द्वारा माता पिता के सम्मान में जो 51 दिवसीय माता पिता सम्मान संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा में आज हमारा तीसरा दिन है। हमारी इस यात्रा की शुरुआत 14 मई मातृ दिवस से मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हमारी इस यात्रा को रवाना किया है। हम भोपाल से उज्जैन, उज्जैन से महू और महू से अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं और यहां पर हमारे बीच में उपस्थित है हम परम आदरणीय सम्मानी अश्विन सिंह जी सरवैया जी, जिनका कि हम संस्कार सेना की ओर से हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में निवेदन करूंगा कि इस मेडल और इस सम्मान पत्र से उनका सम्मान करें। करने के लिए 51 दिवसीय संस्कार सेना की जो यात्रा निकाली जा रही है, इसमें हमने उन्हें भी आमंत्रित किया है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनको इस विचार को सुनकर क्या महसूस होगा और वह इस देश के देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। जय माता की। ये छत्र झाए मेरी नहीं, राजपूत विद्या सभा की है और यहाँ हम कोई भी समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है उसके लिए कंसेशन भाव से रहने के लिए भी यह संस्था का उपयोग हो रहा है और आज मुझे बहुत खुशी हुई। इनका जो ध्येय है वो माता पिता के लिए समर्पित है, तो आज जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है उनके लिए जब तक अपने जीव में जान है तब तक जो कुछ माता पिता के लिए हो सके वो करना चाहिए। आजकल चारों तरफ भवन बन रहे हैं कि उनको वहाँ रखा जा रहा है कि वो घर से आश्रित होके वहाँ जा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों और बेटे की फर्ज होती है कि माँ बाप को हमेशा अपने साथ ही रखें और इनका ये अभियान बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े और लोगों का सहयोग भी ले। वही माता जी से प्रार्थना, जय हिंद जय माता की। परमार झाला राजकोट से, गुजरात राजकोट से, यहाँ की मैं बहू हूँ और एमपी ग्वालियर की मैं वहाँ की बेटी हूँ। तो मेरे भाई लोग सभी संस्कार सेना के जो है, जांगड़े जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, मिश्रीलाल जी हैं और अलका ध्रुवे जो है, बड़ी मेहनत के साथ ये लोग वहाँ से जब यहाँ आ रहे थे तो मुझे मालूम पड़ा कि सब आ रहे हैं और मैं इस संस्थान में भी थोड़ा पदस्थ हूँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ वरिष्ठ इसकी महिला की। तो फिर मुझे जब बताया गया कि आप सवारे हो तो मैंने चलो वहाँ से अहमदाबाद तक ही, क्योंकि आपसे दूर फिर सूरत जाना था, तो मैं वहाँ से यहाँ पर आई यहाँ प्रोग्राम के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, इतनी गर्मी है उसके बाद भी आप लोग सब इतनी लगन के साथ इस कार्य को लेकर जा रहे हैं और मुझे गुरु जो है, आपके गुरु जी जो हैं